Assalamualaikum my YouTube family, welcome back in our new vlog. तो आज हम बताओ आज कहाँ जा रहे हैं? आज हम लोग जाने वाले हैं रोला मार्केट में सबसे बेहतरीन जगह में, जो कि है शारजा सिनेमा। इसका पुराना नाम जो था वो शारजा सिनेमा है, अब न्यू कर दिया है। लेकिन यहाँ पे आपको मिलेंगे पाकिस्तानी, इंडियंस, ब्राइडल, पार्टी वेयर, हर तरह के ड्रेसेस, फैंसी ड्रेसेस, लॉन ड्रेसेस और जो आपको चाहिए वैसे ड्रेसेस। और जैसे कि मैंने तो ये फर्स्ट टाइम देखा और मैंने तो जब नाम सुना कि शारजा सिनेमा, मतलब क्या सिनेमा, क्या मूवी है क्या कोई? फिर एच ने मुझे बताया नहीं, ये मूवी से भी बढ़ के कुछ एक्स्ट्रा है, क्योंकि मैं देख के हैरान होगी यहाँ पे अपने पाकिस्तान और इंडिया की तो याद ही। का मतलब तो पक्का है, जो यहाँ पर आएगा उसको पाकिस्तान या अपनी कंट्री की तो याद नहीं आने वाली। लोग देख सकते हैं कि कितने ही रेजनेबल प्राइस में है, 35-50 और एक कुछ ड्रेसेस तो ऐसे थे जो उन्होंने बहुत बार्गेनिंग करके 25 दरम के दिए और इतने प्यारे थे ना। और ग्लिटर, जिनको ग्लिटर्स वगैरह पसंद है और बिल्कुल लाइट दुपट्टा पसंद है तो वो 25 में बहुत ही खूबसूरत ड्रेस मिल सकता है आपको बहुत इजीली। और उन्होंने डील्स भी, बहुत सारी डील्स और ऑफर्स लगाई हुई थी। यहाँ पे हमारे पाकिस्तानी भाई और इंडियन भाई ही मतलब ये सारी चीज़ें, मतलब ड्रेस वगैरह सेल कर रहे थे और बहुत अच्छा लग रहा था ये सारा कल्चर देख के और बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ पे हम लोग फिर कह सकते हैं हमारा तो दिल ही आ गया। और बहुत ही प्यारे प्यारे यहाँ पे ये लीलन का, ये वाली शॉप सारी लीलन और लॉन के ड्रेसेस की थी, जैसे कि पाकिस्तानी सूट भी थे और इंडियन भी थे। अब हर शॉप में, हर बारी में हम आपको ये इंडियन पाकिस्तानी, इंडिया पाकिस्तान दिखाएंगे। और ये वाली लीलन की शर्ट तो नहीं थी, इतनी सिल्क था, सिल्क इतना खूबसूरत है, जैसे रियल कलर आपको वीडियो में दिख रहे हैं ऐसे ही रियल और खूबसूरत कलर थे। और पता नहीं क्यों, मतलब इतने तो लीलन या लॉन में भी प्रिंट नहीं होते जितने सिल्क में होते हैं, ऐसे जैसे 3D हो, बिल्कुल 3D प्रिंट्स हैं। इनको चाहिए कि ये लीलन में या लॉन में भी करें, क्योंकि सिल्क तो आप इतना, ये येलो वाली तो मेरे बहुत प्यारी लग रही है, ये कलर बहुत ही खूबसूरत है, बॉटल ग्रीन कलर का शरारा था ये। आगे आगे ऐसे और भी बहुत से ड्रेसेस मिलेंगे। और जैसे कि इस शॉप वाले भाई ने जो है इंडियन और पाकिस्तानी दोनों मिक्स किया हुआ था, ये साइड में जो है वो साइड में पाकिस्तानी ड्रेस है और उसके साथ ही इंडियन ड्रेस है। बिल्कुल, जो शरारा गरारा होता है वो ज़्यादा पाकिस्तान में चलता है और साड़ीज़ वगैरह जो हैं वो सारी इंडिया में ज़्यादातर चलती हैं। तो मतलब बहुत ही प्यारा कॉम्बिनेशन था, मतलब आपको एक ही मार्केट से आपको फेवरेट चीज़ मिल जाएगी, लेकिन वही देसी टच के जो है सारी मार्केट्स में जाके आप लोगों ने पहले देखना है, फिर आपने चॉइस करनी कि हाँ इस मार्केट का ये वाला ड्रेस मुझे पसंद आया। और जैसे कि अब हम इस शॉप में इंटर हुए और हमें लगा कि ये मतलब थोड़े इंडियन भाई हैं हमारे, और इनके ड्रेस के, इनकी शॉप के ड्रेसेस इतने खूबसूरत थे, बहुत ही प्यारा। और जैसे कि हम लोग ड्रामों वगैरह में देखते थे और जो वो इंडियन एक्ट्रेस पहनती हैं, वैसे इसके, इन भाई के ड्रेसेस थे बहुत ही खूबसूरत। और सबसे बड़ी बात, रीज़नेबल प्राइस के थे। और ये वाले वो ड्रेसेज जो हम आपको 25 दिरहम के बता रहे थे, ये वाले 3 पीस हैं और इसमें आप देखें कितने खूबसूरत ग्लिटर हैं और हर एक कलर में है। तो मेरा तो ख्याल है HR हमें तो ये लेना ही चाहिए। बिल्कुल, और इतने प्यारे प्यारे प्रिंट्स थे, ये भी नहीं कि आपको जो लाइट कलर, ये आप येलो वाला चेक करें, बहुत प्यारा था। और फिर जब ऐसा भी हो जाता है कि जब आपको बहुत ज़्यादा चूज करने की चीज़ें मिल जाए ना, तो फिर आप लोगों को समझ नहीं आता कि आप क्या लें। इस भाई की पूरी ये रैक जो थी ना, वो इस ड्रेस की थी, मुझे ये रेड वाला भी और ब्लैक बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, बहुत प्यारे थे। और रेजनेबल प्राइस में तो आप लोगों को मिल नहीं सकते, इससे पहले इनके पास ख़त्म हो आप जाके खरीद लें। बिल्कुल, और ये भी 25 दिरहम का था, ये भी 25 दिरहम का था, वाइट ट्राउजर जिनको, मेरे ख्याल से आजकल पाकिस्तान में बहुत इन है ये चीज़, बहुत ज़्यादा इन है ये, मतलब चिकनकारी की तरह, चिकनकारी का ड्रेस था और ये था सारा हैंडवर्क था, बहुत ही प्यारा जरी वर्क था विद हैंडवर्क। और हमें फैंसी कपड़े तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहे थे, लेकिन कोई फंक्शन या कुछ ऐसा यहाँ पर आता नहीं है, लेकिन हम पाकिस्तान के लिहाज से बहुत ही प्यारा लग रहा था ये ड्रेस। लेकिन जैसे कि आप लोगों को पता है कि नवंबर और दिसंबर और ये सीज़न शुरू हो गया, उसमें ये होता है कि ये सारा सीज़न जो है नवंबर दिसंबर, ये जो शादियों का सीज़न है, तो इसमें आपको तो बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। इसलिए हमने सोचा क्यों ना हम ब्राइडल और फैंसी वेयर आपके सामने, आपको थोड़ा आइडिया मिल जाए कि यहाँ पे क्या चलता है। कोई पाकिस्तान, दुबई से कोई पाकिस्तान आने वाला है तो आप उसे ये ड्रेसेस ज़रूर मंगवा सकते हैं। और ये बहुत ही खूबसूरत कलर का था कि स्पेशल हमने डिमांड पे भाई को बोला कि आप ये दिखाएं, और ये फ्री साइज़ कलर था, फ्री साइज़ ड्रेस था, सॉरी कलर तो था ही खूबसूरत, लेकिन फ्री साइज़ ड्रेस था ये, कि
जिसमें जो है आपको हर साइज के बना सकते हैं। बिल्कुल, मतलब ये नहीं कि मेरे तो साइज का नहीं है, ये वाला मुझे पसंद था, ऐसा कोई सीन कोई बहाना नहीं चलेगा आपको। और आपको जो है ये बहुत रीजनेबल प्राइस में दे भी देंगे। फिर वही मजे की बात कि यहाँ पे आप बार्गेनिंग कर सकते हैं जितनी मर्जी, वो अब आपके ऊपर है, आपके स्किल्स के ऊपर है। बिल्कुल, ये इनको इनियन रेट तो जरूर लगाएं लेकिन कोई फिक्स नहीं है। हाँ, अगर आप जैसे बड़ी शॉप्स में जाते हैं, जैसे कि अब हम आपको दिखाने वाले हैं बहुत ही प्यारे प्यारे ड्रेसेस, तो उधर आप थोड़ी सी वो लोग कम बार्गेनिंग करेंगे, लेकिन आपके स्किल्स पे डिपेंड करता है। और बहुत ही खूबसूरत ड्रेसेस थे उनके, कि मैं तो बस फिदा हो गई थी उनके ड्रेसेस देख के। और ये मतलब साड़ियों का सारा सेक्शन था कि आप 100 में आपको जो है एक सूट मिल सकता है। और अच्छा, ये जो शॉप थी ना आर, ये हम लोग मतलब कह लो बचपन से इस शॉप से शॉपिंग कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे ना इंडियन, ज़्यादातर इंडियन ड्रेसेस आते हैं, तो काफ़ी दफ़ा हम लोगों ने इंडियन से ड्रेस खरीदा है। ये रेड वाला भी बहुत प्यारा लग रहा था। रेड वाला तो बहुत प्यारा था, और ये भी आप जाहिर सी बात है आप किसी के बारात फंक्शन में पहन सकते हैं तो बहुत प्यारा, कोई निकाह में भी अपने ये लाइट जिसको चाहिए कोई निकाह में भी अपने वेयर कर सकता है इसको। बहुत ही प्यारा था, अच्छा लग रहा था, लेकिन ज्यादा मैंने ये शरारे ही देखे हैं। अच्छा, ये शॉप एक वाहिद शॉप है पूरे शारजा सिनेमा में जिधर मुझे पर्सनली पसंद नहीं है। मतलब अच्छा है, ठीक है, अंदर है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पे ना जाना पसंद नहीं है। बहुत खाली सी है और शायद ये लोग थोड़े रूड। हाँ नहीं नहीं पता नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बचपन से एक वो है कि नहीं इसमें नहीं जाना। होता है। खैर, यहाँ पर जो था आप देख सकते हैं लहंगा आपको 50 दिरहम में मिल रहा है। हम दूर से देख के बिल्कुल शॉक्ड हो गए कि 50-60 दिरहम में आपको ये फैंसी ड्रेसेस मिल रहे हैं। और ये शॉप में इन्होंने बहुत ही प्यारे और बहुत ही ऑफर्स लगाई हुई थी, जो हैवी हाफ प्राइस में 50% लगाए थे, 60%। अब जैसे कि पर्पल फ्रॉक देख लें, 60 का आपको नॉर्मल एक सूट मिलता है, लेकिन इन्होंने पूरी एक फ्रॉक लगाई हुई थी। और एक और खासियत कि हम जब भी पाकिस्तान जाते हैं हम लोग इस शॉप से तो ज़रूर शॉपिंग करते हैं, बहुत ही रीजनेबल प्राइस में इन्होंने दिया। हाफ प्राइस का मींस कि अगर कोई 100 की चीज़ है जो वो आपको 50 दरम में देंगे। और ये भी नहीं कि कोई मतलब कोई डैमेज ड्रेसेस हैं, कोई ऐसा है, बिल्कुल फ्रेश अनटच। और ये इन्होंने पीस निकाले हुए थे, आप अपने बार्गेनिंग स्किल के हिसाब से आप इनसे आपको 10-15 दरम में मिल जाएगा। और मतलब इतने प्यारे प्यारे ये ड्रेसेस थे, और ये भी बहुत खूबसूरत थे। लाइट कलर ज़्यादा थे, और जैसे कि हमें लाइट कलर थोड़े कम ही पसंद है, हमें थोड़े चमकी धमकी वाले ज़्यादा पसंद आते हैं। बिल्कुल, मतलब ड्रेसेस पे ना डिपेंड करता है बिल्कुल, कि कौन से ड्रेस में आपको कौन सा कलर पसंद आ रहा है। ऐसे ही ऐसे तो मतलब अच्छा तो लग रहा था। फिर मैंने भाई को कहा, भाई वो वाला ड्रेस मुझे दिखाना, बहुत ही प्यारा लग रहा था दूर से, इतना शाइन कर रहा था कि मैंने कहा ये वाला तो आप निकाल के दिखा ही दें। तो उन्होंने जो है हमारी बात को माना और उन्होंने हमें ड्रेस दिखाया। तो जब दिखाया तो हम लोग तो बहुत शॉक्ड हो गए कि इतना प्यारा ड्रेस आपको बहुत ही प्यारी सी प्राइस में मिलेगा। और बिल्कुल, पर मुझे लाइट कलर थोड़ा वो लग रहा था, जैसे कि इस पे जो काम हुआ है ना, उस लाइट कलर ने बहुत डल कर दिया इसको। लेकिन आज पता है क्या, कोई अपने निकाब पहने रेड के साथ तो मतलब आजकल तो निकाब है, आपको पता है लाइट कलर्स ही चल रहे हैं, वाइट कलर, ऑफ वाइट कलर, ये सारे कलर्स चल रहे हैं। ये निकाह के हिसाब से बहुत ही प्यारा खूबसूरत है। आप इससे वाइट जो है रेड के इसका था, हाँ रेड ज्वेलरी पहन सकते हैं आप इसके साथ, वाइट रेड का कॉम्बिनेशन करके, मतलब बहुत ही प्यारा है। और बहुत वही बार बार हम पार्टी वेयर में तो शायद मैं नहीं पहनना चाहूंगी इसको। हाँ, पार्टी वेयर में जाहिर सी बात है आपको होता है कि चमकी धमकी, लेकिन कितने लोगों को पसंद भी हो सकता है। ये बैंगल्स की शॉप थी, यहाँ तो हमारा जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था कि ये तो देखें, ड्रेसेस तो हो गए हैं बहुत। अच्छा, ये इन्होंने बहुत स्पेशल चीज़ कर दी थी कि मतलब ये एक ही एक शॉप थी कि जो ब्राइडल ड्रेस लेने आ रहा है वो साथ में जो है वो ऐसे प्यारे प्यारे नेकलेस, ये और जैसे कि इनके पास बहुत ही स्पेशल ये वाले नेकलेस थे, कुंदन के थे जैसे, और ये मुझे बहुत प्यारा लगा और मैंने फर्स्ट टाइम देखा। आप लोग बोलेंगे कि यार ने सब कुछ लगता फर्स्ट टाइम ही देखा, और वाकई मैंने ये जो इंडियन चूड़ा इसको बोलते हैं, जो वो मतलब वो दुल्हन इंडिया की दुल्हन पहनती है, आप लोग भी बोलेंगे HRR जो है वो इंडियन तो नहीं, लेकिन हम पाकिस्तानी हैं। वैसे ही हम लोगों ने बहुत मतलब यहाँ पर रह के इंडियन लोगों को देखा। एक्चुअली हमने जो ना सिर्फ ड्रामे और टीवी ड्रामे देखे हैं, जिससे हमें ये आइडिया होता है हमें देख देख के कि हाँ हाँ ये इसने पहना था, ये उसने पहना था। खैर, हम इतने देखते नहीं हैं, लेकिन एक दो नज़र तो पड़ी जाती है ड्रामों पर, बिल्कुल कभी कभी हो जाता है। तो बहुत ही अच्छी शॉप्स थी, और ये वाली शॉप्स तो एंड लेवल थी, और ये वाली वीडियो आपने मिस बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि ये बहुत ही स्पेशल और बहुत ही खूबसूरत ड्रेसेस और मतलब डिजाइनर ड्रेसेस की शॉप थी ये।
जिसको इनकी शॉप का एड्रेस चाहिए जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, वो ज़रूर हमें कमेंट्स करिए, हमें मतलब मैसेज करें, हमें बताएं, आप इनका नाम जो है नोट कर लें, और आप जब आपको जब भी जाना हो तो आप हमसे पूछ के ज़रूर जाएं। हम आपको इनका आप हमारा जब नाम लेंगे तो आपको और भी रिजनेबल प्राइस में आपको मिल जाएंगे। और ये सारे बहुत ही पाकिस्तानी और इंडियन ड्रेसेस बहुत ही खूबसूरत से इनके पास, आप प्लीज़ इनकी शॉप पर ज़रूर जाएँ, विज़िट करें। आप वैसे ही विज़िट करें तो आपका दिल ना आया तो HR को पकड़ लें। बिल्कुल, बहुत ही प्यारी और बहुत ही अच्छी रिजनेबल प्राइस में, और हम लोगों ने पर्सनली इधर से बहुत शॉपिंग की है। पाकिस्तान जाने से पहले तो आप लोगों को पता कितनी शॉपिंग होती है। बहुत ही अच्छी जो है पैकेजेस देते हैं, बहुत ही अच्छी डील्स देते हैं कि अगर आपको ब्राइडल ड्रेस और उसके साथ जो जो भी सारी एसेसरीज होती हैं वो सब आपको चाहिए तो ये बहुत ही अच्छी सी जो है वो डील्स बना के आपको देंगे और रिजनेबल प्राइस में देंगे। और इतने कोऑपरेटिव हैं इनका सारा स्टाफ, और आप अब हमें करें इग्नोर और इस शॉप के ड्रेसेस को बस करें नोट। बहुत ही खूबसूरत इंडियन पाकिस्तानी ड्रेसेस, और मतलब ये ड्रेसेस वो ड्रेसेस नहीं है कि सिंपल बस आपने जो देख ली, ये बहुत ही हैवी वर्क के हैं और बहुत डिज़ाइनर ड्रेसेस हैं, बहुत ही खूबसूरत, और इन पर रियल स्टोन का वर्क हुआ हुआ है, बहुत ही प्यारा कि मतलब बस दिल कर रहा था कि हमें एक एक करके ट्राई करना चाहिए। और इंशाल्लाह जब हम पाकिस्तान जाएंगे, कोई शादी आएगी तो हम ये लाजिम ट्राई करेंगे, क्योंकि अभी आप लोगों को पता है इधर तो खैर कोई भी शादी बहुत ही मुश्किल से आती है, लेकिन पाकिस्तान में तो ये सारे इवेंट्स बहुत ही प्यारे होते हैं। ये सारे के सारे बिल्कुल डिजाइनर ड्रेस थे और बहुत ही प्यारे थे, ऊपर कोट टाइप, और ये मिरर वर्क तो आजकल बहुत ही चल रहा है, और शरारा ये तो मेरा फेवरेट रहेगा मिरर वर्क, और ये जो है स्काई ब्लू कलर बहुत ही प्यारा था, और इस पे इतना प्यारा हैंडवर्क भी था, और बहुत ही रिजनेबल प्राइस में। और यहाँ पर ऐसा नहीं, हरगिज़ नहीं था कि आपको एक ही स्टफ में और एक ही डिज़ाइन में मिलेंगे, आपको डिफरेंट डिज़ाइन में शरारा, गरारा, लहंगा, घाघरा चोली, और इसके अलावा आपको साड़ी के, और सबसे बेस्ट चीज़ जो मुझे लगी, अगर किसी ब्राइडल और ग्रूम ने अपनी मतलब मैचिंग करनी हो तो यहाँ पर ग्रूम्स के भी बहुत ही अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी सी शेरवानियाँ हैं और बहुत अच्छे ड्रेसेस हैं, बहुत ही प्यारे। तो जो मतलब कि जो मेंस वगैरह बॉयज़ वगैरह उनके सेकंड फ्लोर पे सारे उनके क्लोथ्स वगैरह लगे हुए, नीचे जो है वो आप ब्राइडल की शॉपिंग करें, ऊपर जो है आप ग्रूम की करें। और आप यकीन कर रहे हैं इतना हैवी ड्रेस था, इतना ये हैवी ड्रेस था कि मैं तो बिल्कुल भी नहीं उठा सकी, और आखिर मैंने फिर भाई से कहा प्लीज़ आप हेल्प कर दें और इस ड्रेस को पकड़ें ताकि हम अपनी यूट्यूब फैमिली को दिखा सकें कि इतना रियल स्टोन वर्क था ये, इतना खूबसूरत, और जैसे ये वीडियो में नज़र आ रहा है ना, इससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत रियल में था। और मुझे एक और चीज़ इनके ड्रेस के साथ साथ एक और चीज़ अच्छी लगी, इनका जो इंटीरियर था वो बहुत ही प्यारा था, इनकी जो ये फ्लोर था बहुत ही प्यारा लग रहा था, और ये ड्रेस तो बहुत ही प्यारा था, और ये हमारी मामा को बहुत प्यारा लगा, बहुत ही प्यारा था। और आप ये अपनी मेहंदी भी पहन सकते हैं क्योंकि ये इतना प्यारा था। बात ना पता क्या होती है, रियल स्टोन्स की होती है, और हम यहाँ पर भाई को बोलते नहीं 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 भाई ये निकालें, और यहाँ पर तो HRR पिघल ही गई, और इतना खूबसूरत ड्रेस था ये। हम ये वाले जो ड्रेसेस है ना, ये ऐसी फेरी वाली मैक्सी वगैरह, ये तो हमारे अपने मतलब पसंद के, इसलिए हम आपको ज़्यादा ये दिखाएंगे। और ये तो था बहुत ही हैवी खूबसूरत सा आइडियल ड्रेस जिसको आप बोल सकते हैं। बिल्कुल, ये हमारा फाइनल और सबसे प्यारा ड्रेस था, क्योंकि इस पे तो हम ये वाला जो ड्रेस था वो R और H को दोनों को ही बहुत प्यारा लग रहा था, और ये बहुत ही ज्यादा यूनिक कलर था, मतलब सारे कलर तो हम लोगों ने पहने हैं लेकिन ये ऑरेंज कलर बहुत कम यूज हुआ होगा पहनने में, और ये इतना खूबसूरत कलर था कि पूरी शॉप में सबसे ज्यादा, और भी बहुत से अच्छे ड्रेसेस होंगे लेकिन सबसे ज्यादा खूबसूरत ड्रेस तो सिर्फ यही लग रहा था, क्योंकि जो है सब पे मतलब स्टोन थे लेकिन ये वाला इतना शाइन कर रहा था, इतना शाइन कर रहा था कि हम आप लोग हम वीडियो में देख सकते हैं। और ये कुछ सारे ड्रेस थे, अब हम सारे आप लोगों को नहीं दिखा सके, टाइम बहुत शॉर्ट था, लेकिन हमने फिर भी जितना हमसे हो सका हमने दिखाया, और बाहर जो है आपको डमीज़ वगैरह पे भी देख सकते हैं आप लोग। और इस शॉप में जो है सिर्फ यही ड्रेस ज़्यादा खूबसूरत था, और भी बहुत से थे लेकिन इस ड्रेस मतलब इस शॉप में सिर्फ ये ज़्यादा अच्छा लग रहा था, और बाकी सारे सिंपल ड्रेस थे। बिल्कुल, अंदर जो थे वो ज़्यादा पाकिस्तानी ही थे, बाहर जो एट्रैक्टिव वो ही होता है ना कि बाहर एट्रैक्टिव लगा के अंदर जो है वो कुछ और होता है, ये थोड़ा सा वो था, लेकिन अंदर भी पाकिस्तानी ड्रेसेस और इंडियन ड्रेसेस के लिहाज से बहुत अच्छा था। तो अगर आप लोगों को हमारा व्लॉग अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें, और सब्सक्राइब करना तो मत भूलें। सो अल्लाह हाफिज़।